प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रेस के मित्रों तो कहते हैं, मगर आप हमारी बात नहीं उठाते हो टीवी पे। देखो मुस्कुरा रहे हैं, पीछे से रिमोट कंट्रोल है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात का चुनाव अब दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि गुजरात में राहुल गांधी भी अब प्रचार के लिए उतर चुके हैं। राहुल गांधी अभी तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, महाराष्ट्र में वो यात्रा पहुंची है जो कन्याकुमारी से चली थी, अभी आगे मध्य प्रदेश जानी, लेकिन उससे पहले दो दिन में यात्रा का ब्रेक भी लगा है और राहुल गांधी इस वक्त गुजरात पहुंच गए। गुजरात के सूरत में उन्होंने रैली की और गुजरात में चुनावी बिगुल भी फूंका है और कई सारी बातें कही है। राहुल गांधी पहुंचते ही चुनावी माहौल तेज हो गया है गुजरात का। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी भी अब एक्टिव हो गई है। राहुल गांधी के बयानों को काट छाट करके उल्टी सीधे तरीके से दिखाने की कोशिश भी हो रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने जो कही, राहुल गांधी ने मीडिया को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पहले प्रेस बंधु कहा, उसके बाद कहा कि हम आपको बोलते हैं लेकिन आप हमें दिखाते नहीं हो, आप हमारी सच्चाई को नहीं बताते हो, ये गलत बात है। और फिर कहते हैं लेकिन हम जानते हैं कि आप सच्चाई दिखाने के लिए उत्सुक हो, सही काम करने के लिए उत्सुक हो, लेकिन आपके मालिक आपको काम नहीं करने देते हैं। यह बात राहुल गांधी ने पूरी तरीके से पोल खोल दी है उन मेन स्ट्रीम मीडिया में जो आजकल होता आ रहा है उन सबकी। जरा सुनिए राहुल गांधी कैसे मीडिया पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। प्रेस के मित्रों तो कहते हैं, मगर आप हमारी बात नहीं उठाते हो टीवी पे। देखो मुस्कुरा रहे हैं, पीछे से रिमोट कंट्रोल है। इनकी गलती नहीं है वैसे, ये कोशिश करते हैं मगर इनके जो मालिक हैं इनको देखो ऐसे कर रहे हैं, देखो ऐसे कर रहे हैं। तो सुनिए आपने, गौतम नौटियाल ने यह वीडियो क्लिप ट्वीट किया है, लिखा है मीडिया वालों डरो मत। ये सवाल लिखा है कि कम से कम खबर दिखाई जाए, मीडिया वाले भी इस खबर को दिखाएं। राहुल गांधी जिस तरीके से मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि अपने हिसाब से कलम चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। एक पत्रकार जो इस आशा और उम्मीद के साथ पत्रकारिता में आता है कि मैं देश और दुनिया को सच दिखाऊंगा, मैं सच्ची पत्रकारिता करूंगा, मैं सरकार के हित में न लिखकर बल्कि शाश्वत विपक्षों के काम करूंगा, क्योंकि ये कहा भी गया है साहित्य कविता और पत्रकारिता ये शाश्वत विपक्षों के काम करते हैं। इनका काम होता है सरकार से सवाल करना, क्योंकि अगर ये सवाल करना भूल जाएंगे तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी और फिर वो मनमानी करने लगेगी। उसकी मनमानी से रोकने के लिए ही पत्रकारिता है, लेकिन क्या वैसी पत्रकारिता हो रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। राहुल गांधी ने यही कहा कि वो पत्रकार जो मेहनत करते हैं वो सच दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनके पीछे मालिकों का पैरा है, कलम पर वो पैरा है, इसीलिए कलम चल नहीं पाती, इसीलिए लिख नहीं पाती, इसीलिए पत्रकार बोल नहीं पाते। ये बात सीधे तौर पर राहुल गांधी ने कह दी। राहुल गांधी ने कह दिया उन पत्रकारों को कि आप जो है आप लोग गलती नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें राहुल गांधी ने कही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि राहुल गांधी चुनाव होते हुए बताया, इन्हें बताया भारत का पहला मालिक। मोरबी हादसे पर भाजपा को बाकायदे राहुल गांधी ने घेरा, बाकायदे हिंदुस्तान पे ये खबर छपी हुई लिखा है। राहुल गांधी ने सूरत जिले के महुआ में आदिवासियों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह देश के पहले मालिक हैं और दावा किया कि भाजपा उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। इसी तौर पर कहा कि देश के असली मालिक जो है वो आदिवासी हैं, उनका हक छीना जा रहा है। राहुल गांधी सोमवार कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसानों, युवाओं और आदिवासियों से मिलने और उनकी समस्याओं सुनने के बाद उन्हें उनका दर्द महसूस हुआ है। चुनावी गुजरात में अपनी पहली चुनावी रैली राहुल गांधी ने सूरत जिले के महुआ में आदिवासियों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे देश के पहले मालिक हैं और दावा किया कि भाजपा उनके अधिकारों को छीनने काम कर रही है। बाकायदे देखिए सीधे तौर पर वो बयान भी मैं सुना देता हूं। उन्होंने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि देश के पहले मालिक आप हो, वे आपको वनवासी कहते हैं, वे ये नहीं कहते हैं कि आप भारत के मालिक हैं, बल्कि वे ये कहते हैं कि आप जंगल में रहते हैं। क्या आपको अंतर दिखाई देता है? इसका मतलब है कि वे नहीं चाहते कि आप शहरों में रहें, वे नहीं चाहते कि आपके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बने, विमान उड़ाना सीखें, अंग्रेजी बोले।
ये वीडियो बाकायदे कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया है और ट्वीट करके बाकायदे लिखा भी गया है। देखिए कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा भी है कि ये देश आदिवासियों का है और इस देश में आपको हक मिलने चाहिए, आपको रोजगार मिलने चाहिए, आपके बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए। यह बात राहुल गांधी सीधे आदिवासियों से कही है। तो आदिवासियों के अंदर एक बिगुल फूकने का काम राहुल गांधी की सभा में हुआ है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि आप जंगल में रहें, लेकिन वहां रुके नहीं, उसके बाद वे आपसे जंगल छीनने लगते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 5 से 10 वर्षों में सारे जंगल 2-3 उद्योगपतियों के हाथ में जाएंगे और आपके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी नहीं मिलेगी। गांधी ने कहा कि देश की एकता के लिए आयोजित भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने किसानों और युवाओं और आदिवासियों समुदाय के लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके दर्द को महसूस किया। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस देश के पहले मालिक आप हो, मतलब आपसे ये देश लिया गया है। अब एक दूसरी विचारधारा है, बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वो आपको ये नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। फर्क समझ में आया? मतलब वो ये नहीं चाहते कि आप शहरों में रहो, कि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हवाई जहाज उड़ाना सीखें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसान परेशान है, युवाओं का सपना चकनाचूर हो रहा है। एपी न्यूज ने बकायदे लिखा है कि गुजरात चुनाव में राहुल गांधी की पहली रैली, बोले किसान परेशान, युवाओं का सपना चूर चूर। आप समझिए, सीधे तौर पर उन्होंने युवाओं को आड़े हाथों लेके कहा बीजेपी आदिवासियों की तरक्की नहीं चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान को जोड़ने का काम एक गुजराती महात्मा गांधी ने किया था। हम किसान से बात करते हैं तो दुख होता है, किसान को सही दाम नहीं मिलता, किसानों का कर्ज माफ नहीं होता, युवाओं का सपना इस देश में चूर चूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक आदिवासी हैं, आदिवासियों को उनकी जमीन मिलनी चाहिए, उनका हक मिलनी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। इस दरमियान सुबह होते ही वो जाकर आदिवासियों से मिलते हैं, मछुआरों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, उन सबकी समस्याओं को सुनते हैं। दोपहर में कहीं स्टूडेंट से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बेरोजगारों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो राहुल गांधी इस वक्त समझ रहे हैं चीजों को, इसीलिए वो अभी यात्रा रोक कर, अपनी यात्रा महाराष्ट्र में उनकी रुकी हुई है, यात्रा रोक कर वो सूरत पहुंचे हैं। सूरत के बाद राहुल गांधी राजकोट में भी एक चुनावी रैली को संबोधित किया। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है, जबकि मतगणना जो है वो बाद में होगी, मतलब 8 दिसंबर को होगी, जब हिमाचल प्रदेश के भी मतगणना होगी, उसी दिन गुजरात चुनाव की भी मतगणना होगी। आप समझिए, एक चीजें भी निकलकर सामने, राहुल गांधी एक कहानी सुना रहे, तो उस वक्त भी वाक्य हुआ। देखिए एनडीटीवी ने लिखा है कि आप हिंदी में बोलिए, हम समझते हैं, सूरत में रैली कर रहे राहुल गांधी, एक शख्स ने टोका, फिर बाकायदे राहुल गांधी ने हिंदी में भाषण देना शुरू कर दिया। महुआ की रैली में वो कहानी सुना रहे, जब मैं छोटा बच्चा था मेरी दादी ने किताब दी थी, उसमें काफी चित्र थे, वो मुझे बहुत पसंद थी। इस कहानी के शुरुआती हिस्से को भरत सिंह सोलंकी ने लोगों को गुजराती में बताया, लेकिन आगे उन्हें असहजता महसूस हुई। इसके तुरंत बाद जनसभा में एक शख्स ने उन्हें रोक दिया, राहुल गांधी शख्स ने कहा आप हिंदी में बोलिए। इसके बाद भरत सिंह सोलंकी माइक छोड़कर चल दिए। राहुल ने पूछा अच्छा हिंदी चलेगा? इसके बाद राहुल गांधी ने कहानी के आगे का हिस्सा हिंदी में सुनाया। अब इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ट्वीट कर दिया गया, बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर वो वीडियो ट्वीट किया गया है। ट्वीट करते हुए कहा कि इसके आगे हम और क्या कहें, जबकि उस वीडियो में साफ तौर पर यह है कि राहुल गांधी से कहा, कोई मन से कहता है कि हम हिंदी में समझ सकते हैं, तो राहुल गांधी पहले ट्रांसलेटर थे, उसके बाद राहुल गांधी हिंदी में ही बोलने लगे। अब उसी वीडियो को रिट्वीट करते हुए गुजरात कांग्रेस ने भी लिखा बीजेपी को जवाब देते हुए कि राहुल गांधी जी गुजरात की और गुजरात राहुल गांधी जी के दिल की बात समझता है, और कमल गट्टो इस वीडियो की तालियां गवाह है इस बात की। रही बात भरत भाई की, तो उन्होंने ट्वीट किया है सुन मत लेना, सह नहीं पाओगे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि वो ट्वीट भी बकायदे किया गया है, और भरत सिंह सोलंकी ने भी ट्वीट कर दिया। देखिए आप ट्विटर यूजर पर दिखा रहे हैं, ट्विटर उन्होंने लिखा है कि पीएम की सभा में पब्लिक नहीं आ रही और बौखलाई हुई भाजपा मामूली बात का भी हल्ला मचा रही है। गुजरात की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि 2022 कांग्रेस लाविश, ये लिखा गया है उनके द्वारा। तो आप समझ लीजिए, उन्होंने बयान भी बाकायदा दिया है, और बयान देते हुए कहने की कोशिश की है कि जो ये चीजें फैलाई जा रही हैं गलत हैं, इस तरह चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी फैला सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि परिवर्तन की राह है। वैसे एक वीडियो हम आपको और दिखाना चाहते हैं, वो वीडियो जो है मिला है एक रिपोर्टिंग करते दरमियान एनपी न्यूज करके कोई है, वो वेब पोर्टल है, उसने जो है वीडियो बनाई है।
पूछा है तो राहुल गांधी के बारे में एक शेर कहता हुआ बंदा नजर आता है और ये इंडियन यूथ कांग्रेस तरफ से वीडियो ट्वीट किया गया है जब राहुल गांधी जी की तरफ से गुजरात के इस युवक ने सुनाया शेर, लिखा गया, जरा सुन लीजिए। राहुल गांधी जी कह रहे हैं, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मगर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। अच्छा। सवाल जहर का नहीं था जी। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, लेकिन लोगों को तकलीफ जब हुई मैं उसे पी कर भी जी गया। जाते जाते आपने शेर भी सुन लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बिगुल फूंक दिया है और जनता भी उनके लिए शेरों शायरी पढ़ रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।